हेलो क्लास टेंथ के बच्चों, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या क्या लिखा है क्या नहीं। आप लोग केवल और केवल एनसीईआरटी आप लोगों ने पहले वीडियो देख लिया होगा जो मैंने बोर्ड पर अच्छे से समझा रखा है आप लोग। उसके बाद हमें एनसीईआरटी भी देख लेना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट होते हैं जो हम बोर्ड पर नहीं लिखवा पाते, लेकिन एनसीईआरटी में हम उसे रीड कर लेंगे। तो एनसीईआरटी भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एसिड बेस और सॉल्ट, सबसे पहले हम एसिड क्या होता है मैं भी बता दूँ। तो एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जिसमें सॉर इन टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट में स्वाद में खट्टापन होता है, और जो H प्लस आयन रिलीज करता हो उसे हम बोलेंगे एसिड। और बेस क्या होता है? जो OH माइनस आयन रिलीज करता हो उसे बोलेंगे हम बेस। और जो बीटर इन टेस्ट हो, टेस्ट में कैसा हो, कड़वा हो, बीटर इन टेस्ट हो, ठीक है, वो होगा बेस। ओके, तो हम आगे चल के देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस के देखते हैं। एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में हमें कैसे पता लगेगा कौन एसिड है कौन बेस है? भैया लेबोरेटरी में आप कोई सा भी एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो आप टेस्ट करके थोड़ी ना पता लगाओगे कौन एसिड है कौन बेस, किसका स्वाद खट्टा है किसका स्वाद कड़वा। खट्टा है तो भाई एसिड है, कड़वा है तो बेस है, तो ऐसे तो नहीं पता लगाओगे, नहीं लगाओगे ना, ठीक है। देखिए लिटमस सॉल्यूशन रेड ब्लू, फिनोप्तैलिन मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, सैंपल सॉल्यूशन है यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या बता रखा है। दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाई चेंज इन कलर, कौन सा सब्सटेंस एसिड है बेसिक, एसिड या बेसिक है अगर वो अपना कलर चेंज करता हो। लिटमस जो पेपर होता है, लिटमस पेपर अगर वो एसिड के कम, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहाँ पर जगह है, यहाँ पर जगह है लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर आता है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं एसिड, यहाँ पर लिखते हैं बेस, ठीक है। एसिड के कम, जब एसिड के लिटमस को हम एसिड में डालेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है, अगर बेस में डालेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। हमें कैसे पता लगा कौन एसिड है बेस? भाई वही तो, अगर नहीं पता ये चीज़ एसिड है, अगर उसमें डालते हैं, अगर लिटमस पेपर हमारा रेड कन्वर्ट हो जाता है, कलर चेंज कर लेता है, कलर रेड हो जाता है, तो हम मान लेंगे कि वो एसिड है। अगर ब्लू हो जाता है तो हम मान लेंगे वो बेस है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता रखी है, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर ये होता है किसी भी सब्सटेंस का अगर जो स्मेल होता वह एसिड और बेसिक के आने पर चेंज हो जाता है। जैसे अनियन का पील होता, अनियन की खुशबू अलग होती है, पता आप लोगों को, देखिए यहाँ पर बता रखा है, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड अनियन की जो खुशबू होती है वो अलग होती है, अलग प्रकार की होती है, वो एसिड के में आने पर उसकी खुशबू सेम एज इट इज़ आती रहेगी, जैसे ही बेसिक मीडियम में जाएगा उसकी खुशबू गायब हो जाएगी। अगर खुशबू आ रही है तो एसिड, या खुशबू नहीं आ रही तो बेसिक हो जाता है, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। अब आता है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ये दे रखा है, इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, केवल आपको याद रखना पड़ेगा। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, क्या होता है, इवॉल्व होता है, यहाँ से रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। चलिए देखते हैं कोई सा एसिड, देखिए एसिड हो या बेस हो, चाहे एसिड चाहे बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहाँ पर लिया सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया, जिंक मेटल एक तरह का, ये बनाता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या, ये एक तरह का बेस ही तो है, एसिड मत बोल देना भैया, बेस है ये, ठीक है। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन, हाउ एवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल, सारे के सारे मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। अब अगला रिएक्शन देखते हैं हम क्या लिखा, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये फनल वनल दे रखा है, ये तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो कराएंगे, टेंथ में तो कोई नहीं कराता, छोड़ दीजिए एक्सपेरिमेंट, ये देखने की ज़रूरत नहीं आपको, ठीक है। आपको केवल क्या याद रखना पड़ेगा, आपको केवल ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका सोडियम कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यानी कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है सॉल्ट
H2O और CO2 गैस रिलीज्ड होता है। अगर मेटल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता, तब भी सॉल्ट बनेगा, H2O आएगा और CO2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आई बात? अगर हम लाइम वाटर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस पास करें तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट और H2O गैस, H2O लिक्विड में रिलीज हो जाता है। ठीक है, H2O रिलीज होता है। ठीक है बात, अगर कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस CO2 पास कर दें, किसमें एक्सेस CO2, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता, तब ये कन्वर्ट हो जाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, अगर एक्सेस CO2 पास कर दें, यहाँ पे नॉर्मल CO2 हमने पास करा तो वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम एक्सेस CO2 पास कर दें, एक्सेस मतलब बहुत ही ज़्यादा CO2 पास कर दें, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भैया, बात समझ में आई? अब यहाँ पर जो इसका ये देखिए, यहाँ पर वही दिया, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है, जनरल मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, उसका सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और वाटर रिलीज होगा। हमने ऊपर रिएक्शन देख लिया, सेम रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है भैया, क्या बनेगा, सॉल्ट ही तो बनेगा। देखिए NaOH है बेस, HCl है एसिड, जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और पानी बन जाएगा। ठीक है, क्यों, बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, यहाँ पर बेस है, यहाँ पर एसिड है, क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर बना। देखिए आप लोगों को याद क्या करना, जो रिएक्शन है उसे याद कर लीजिए। ठीक है, जो जो हम बता रहे हैं टिक करवा रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन कैसे भैया, एसिड को एसिड में हमने बेस डाल दिया तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रतिक्रिया लिखा। यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन दिस रिएक्शन। द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन। जनरल रिएक्शन क्या होता है, मेटल ऑक्साइड लिखा हो, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाता है। क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और एसिड का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर एग्जांपल नहीं दिया तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर कॉपर सेकंड में है। ठीक है, और ये जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, HCl एसिड के साथ, तो क्या बनता है, CuCl कॉपर क्लोराइड। क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, क्या बनेगा, H2O। ठीक है, ये रिएक्शन है जब मेटल ऑक्साइड सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन करता तो क्या बनता है, क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर रिलीज हो जाता है। अब देखते हैं हम नया, देखिए लिखा, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन। मैंने इक्वेशन लिख दिया, आपको बैलेंस करना है। मैं अगर बैलेंस हो फिर भी आप देख लेंगे बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखता, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अब आता है रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब तो क्या होता है, okay. जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड ही होता है, क्या होता है, एसिड होता है। और मेटेलिक ऑक्साइड जो हमने ऊपर पढ़ा था, मेटेलिक ऑक्साइड ये एक तरह का बेस होता है। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड बेस है, ये एसिड, बेस के साथ एसिड रिएक्ट करता तो क्या बनता, सॉल्ट और वाटर बनता। सेम यहाँ पर भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड हो गया, जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर नहीं दे रखा, इसका भी एग्जाम्पल नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। यहाँ पर जगह कहाँ है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये बेस है, जब रिएक्ट करेगा बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये हो गया, जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनता है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, आ गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा, वाई शुड कॉड एंड सॉल्ट सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। क्यों हम कर्ड और खट्टे सब्सटेंस को ब्रास और कॉपर के वेसल्स में नहीं रख, बताइए क्यों नहीं रखते। भाई देखो, ये दोनों तो एसिड हैं, ये भी कॉपर वेसल्स और ब्रास बेस है, तो ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं, इसलिए हम इसमें नहीं रखते हैं, ठीक है। दूसरा, विच गैस इज यूजुअली लिबर्टेड, लिबर्टेड मतलब निकलता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल, जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, भाई H2 तो रिलीज होता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप अपने करिए, वरना कमेंट में पूछिए। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, एसिड सारे के सारे एसिड और सारे के सारे बेस में क्या चीज कॉमन है, चलिए देखते हैं। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल, जब सारे के सारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड, हाइड्रोजन सारे के सारे एसिड में कॉमन है। देखिए यहाँ पे बोला, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिडिक, क्या जितने भी कंपाउंड हाइड्रोजन गैस रखते हैं सारे के सारे एसिडिक हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बता रखा, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, जो भी है ये देख लीजिए, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, कुछ होते हैं नहीं पढ़ना होता, ठीक है, बात समझ आए। वाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस का क्या होता है, भैया एसिड क्या होते हैं, एसिड जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम पानी में, और बेस क्या होते हैं जो एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, तो सेम यहीं पर होगा। जब HCl को हम वाटर में डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है H3O प्लस में और Cl माइनस में। अब भैया बोलोगे तुम लोग, सर यहाँ पे H प्लस रिलीज होता है ना, H3O प्लस क्यों हो गया, जो भैया H प्लस होता है ना ये अकेले नहीं रह पाता, इसे डर लगता, बहुत ज़्यादा डर लगता, तो क्या करता है ये H2O के साथ कंबाइन हो जाता है, H प्लस और H2O मिलके बना लेते हैं H3O प्लस, समझ में आई बात, आ गई ना, तो आनी चाहिए भाई। देखो लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, जो हाइड्रोजन आयन है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसे डर लगता है भैया उसे कोई भी उठा कर ले जाएगा, इसलिए H2O के साथ कंबाइन हो जाता है। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है तब वो एग्जिस्ट करता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, चाहे उसे H प्लस बोलिए हाइड्रोनियम आयन बोल दीजिए। देखिए जो मैंने रिएक्शन लिखी है ऊपर यहाँ पर लिखी गई है, अगर बेस को हम वाटर में डालें तो क्या होगा, बेस भैया क्या करता है OH माइनस रिलीज करता है और Na प्लस OH माइनस रिलीज कर देगा, ये होता है जब एसिड और सॉल्ट को, एसिड और बेस को हम वाटर सॉल्यूशन में डालें। सेम अगर KOH, ये भी एक तरह का बेस है, ये भी K प्लस OH माइनस रिलीज कर देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी मैग्नीशियम 2 प्लस और 2 OH माइनस रिलीज कर दे रहा है। बेसिस जनरली हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर, बेस जो होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन पानी में जनरेट कर देता है। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट, बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, एल्कलीज क्या होते हैं, जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसे हम एल्कलीज बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे एल्कली। ठीक है, यहाँ पर लिखा ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे के सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं। एन अल्कली इज ए बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, एक अल्कली ऐसा बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व मतलब घुल सकता है। दे आर सोपी इन टच, भैया जब उसे टच करो तो जैसे सोपी इन नेचर होता है ना वैसा वैसा होगा, पिलपिला सा।
बिटर होगा और कोरोसिव इन नेचर होता है। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, इन्हें कभी टच मत करना, ये हार्म में भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ऑल एसिड जनरेट एच प्लस एंड ऑल बेस जनरेट ओ एच माइनस आयन। तो हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह भी लिख सकते हैं। एसिड बेस क्या बनाता, सॉल्ट और वाटर, तो एच प्लस ओ एच माइनस एच टू ओ बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ एन एसिड और बेस, जब हम एसिड और बेस में वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, होगा। हम चलिए देख लेते हैं भैया क्या बोलना चाहते हैं ये जनाब, जनाब वाली क्या बोलना चाहते हैं। देखिए ये लाइन मैंने बता रखा था, लिखवाया भी था, इम्पोर्टेंट भी। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग इन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। क्या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट रिलीज होता है। क्या होता है एक्सोथर्मिक का मतलब, मैं लिख देता हूँ, हीट रिलीज होता है, ठीक है। जब आप पानी में या पानी में एसिड बेस मिलाइए तो बहुत ही केयरफुल रहिए, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, फट फट सकता है, आपको नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँच जाएगा। मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। जब भी आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाएं तो अपना ध्यान जरूर रखें, वरना आप ध्यान रख लेना एक नहीं बचेंगे। देखिए द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। जब भी आप एसिड पानी में एसिड मिलाएं तो उसे धीरे धीरे मिलाइए, एक साथ पूरा मत डाल दीजिए। जैसे आग में घी का काम करता ना, वैसे ही करेगा, आग की लपटें उठेंगी, फटफट जाओगे। तो उसे मिलाते रहिए और डालते रहिए। देखिए इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। अगर आप कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड करते हो तो फटवट सकता है, ठीक है। मिक्सिंग ऑन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयन। अगर आप एसिड या बेस में वाटर मिलाओगे तो यहाँ पे एच प्लस आयन का कंसनट्रेशन कम हो जाएगा ना भैया। अगर भाई चीनी और पानी का घोला उसमें और पानी ऐड करते जाओगे तो चीनी का कंसनट्रेशन कम हो जाएगा ना, वो फीका लगने लगेगा ना भैया। तो यहाँ पर भी एच प्लस आयन, जो एच प्लस आयन या ओ एच माइनस आयन है, वो भी फीका लगने लगेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है, जब पानी मिलाओगे तो वहाँ पर डाइल्यूशन कर रहे हो, यानी कि फीकापन कर रहे हो, ठीक है। इसे हम डाइल्यूटेड बोलते हैं, ओके। यहाँ पर पूछा गया हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे। वी नो हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेटर, बेस और एसिड का इंडिकेटर हमने देख लिया क्या होता है। एसिड और बेस को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आसानी से, कैसे भैया, लिटमस पेपर से। अगर रेड आ रहा तो एसिड है, ब्लू आ रहा तो बेस है, ठीक है, देख लिया था हमने। और कैसे डाइल्यूशन होता है, एच प्लस आयन, एच प्लस आयन और एच माइनस आयन का कंसनट्रेशन कम हो जाता है। वी कैन डू दिस बाई मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर सो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन। यहाँ पर हम पी एच स्केल बना दिया है। एज ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इन ए सोल्यूशन कॉल्ड पी एच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। पी जो स्टैंड हो पोटेंस के लिए इन जर्मन, मतलब पावर होता है, पी मतलब पावर, पी मतलब पोटेंट। पी एच स्केल कहाँ कहाँ तक होता है, जीरो बेरी एसिडिक होता है, ठीक है, जीरो से लेके सात तक बेरी एसिडिक होता है, चौदह बेरी अल्कलाइन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बेस होता है। पी एच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन लोअर इज द पी एच वैल्यू। ये मतलब क्या, अगर एच प्लस का आयन का कंसनट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा, मतलब एच प्लस बोल दिया है उसे एच थ्री ओ प्लस बोल दीजिए, हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ प्लस है, हाइड्रोनियम आयन का जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन रहेगा पी एच उतना ही कम रहेगा, ठीक है, बात समझ में आई। देखिए
द पी एच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है ना, एसिड है ना, बेस है, तो उसका पी एच कितना है? 7। वैल्यू लेस देन 7 पी एच स्केल पे एसिडिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। 7 से ज़्यादा हो, 7 से 14, तो वो वहाँ पर ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी पी एच वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ पर, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, ठीक है। यहाँ पर बनाया गया स्केल, देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्केल बनाया गया 0 से लेकर 7 तक, जो न्यूट्रल होता 14 तक। यहाँ पर इधर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इधर बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ये जो है ब्लू वाला पार्ट, यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर H प्लस आयन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ना, धीरे धीरे कम होता है। एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है, पी एच वैल्यू उतनी कम होती है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो पी एच वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है, दिख रहा है ना। यहाँ पर पी एच वैल्यू कितनी? 0। यहाँ पर एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो पी एच वैल्यू सबसे ज़्यादा है 14 है, यानी कि इधर ओ एच माइनस आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है इधर की तरफ। इधर इंक्रीज इन एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। पी एच का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने अभी पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता, माइनस टाइम्स ऑफ लॉग एच प्लस, जितना ज़्यादा एच प्लस का कंसंट्रेशन है, पी एच उतना कम, ठीक है। यहाँ पे पूछा सलाइवा का बी फॉर्मूल, आप लोग ये खोज कर लिखेंगे। देखिए गैस्ट्रिक जूस का पी एच 1.2 होता है, लेमन जूस का 2.2, वाटर, प्योर वाटर का या ब्लड का पी एच होता है 7.4। कैसा होता है? एल्कलाइन इन नेचर होता है। मिल्क का मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का 14 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद कर लेंगे, चारों पांचों जो भी है पी एच दे रखा हो आप लोग याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बता रखा, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है। ये बात समझ में ना, अगर एच प्लस आयन कम है तो भैया बेस ज़्यादा तगड़ा है, एच प्लस आयन नंबर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिड बहुत ज़्यादा तगड़ा है, एंड ओ एच आयन माइनस आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ पे बोला भैया एच सी एल ले लिया हमने, और क्या ले लिया? एसिटिक एसिड ले लिया, तो बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? भैया एसिटिक एसिड बताया था मैंने वीक एसिड है, यहाँ पर एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा इन कंपेरिजन टू एच सी एल, तो एच सी एल स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है। इम्पोर्टेंस ऑफ पी एच इन एवरीडेल, पहला है ऑल आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पी एच सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल पी एच सेंसिटिव होते हैं? हाँ भैया होते हैं। देखिए जो हमारी बॉडी होती है वह पी एच रेंज 7 से 7.8 तक वर्क करती है, लेकिन जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पी एच 1.5 पर भी वर्क करता है। इतना एसिड रहेगा तभी वो वर्क करेगा, इसीलिए जो हमारे पेट में कभी कभी एसिडिटी हो जाती है तो क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस रिलीज हो जाता है, तब हम कोई ऐसा चीज़ खाते हैं जो बेस हो, कड़वा स्वाद हो, तो वो ठीक हो जाता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पी एच चेंज। अगर पी एच चेंज बहुत हल्का होगा तभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह पाएगा, अगर बहुत तेज 0 से 14 होगा तो बंदा रह ही नहीं पाएगा ना। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acidic. अगर 5.6 से pH कम है रेनी वाटर का, तो उसे बोलते हैं हम एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल है उसका रंग फीका पड़ने लगता है, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, पॉल्यूशन की वजह से एसिड रेन होता है, जिसकी वजह से जो सफ़ेद मार्बल है उनका कलर हटने लगता है। इसीलिए वहाँ पर आसपास के एरिया में जितनी भी फैक्ट्री थी सारी बंद कर दिया गया, वहाँ पर सीएनजी लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो रहा, तो वहाँ पर एसी ड्रेन नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से सारे के सारे मार्बल साफ होने लगे हैं अब, ठीक है। अगर 5.6 से ज़्यादा है तो ठीक है, अगर 5.6 से कम है तो हम उसे एसी ड्रेन बोलेंगे, ठीक है। व्हेन एसी ड्रेन फ्लो इनटू द रिवर्स इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर। अगर एसी ड्रेन तालाब में बह के जाएगा तो उसका पीएच कम करेगा, तो इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी जीवन संकट में आ जाएगी, तो कौन रक्षा करेगा? संकट मोचन हनुमान जी रक्षा करेंगे जो भी, ठीक है। बात समझ में आई लोग? देखिए एसिड इन अदर प्लांट, क्या अदर प्लांट पर एसिड क्या है आप लोग पढ़ लीजिए। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड,
आपके बैकयार्ड का सॉइल का पीएच कितना होता है, पीएच चेंज करने के लिए आपको उसका चेकिंग करवाना पड़ेगा भैया। जहाँ पर प्लांट लगाते हैं उसका पीएच अगर ठीक ठाक है तो प्लांट जल्दी ग्रो करेगा, पीएच कम है या ज़्यादा है तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा ये है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है भैया। जो स्टमक है ठीक है, वहाँ पर पेप्टिक सेल या चीप सेल होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो इसमें एंजाइम होता है प्रोपेप्सिनोजन, वो पेप्सिनोजन में एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करेगा। तो वहाँ पर एसिड होना चाहिए तभी वहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता तो उसकी वजह से हमें दर्द होता है, पेट में इरिटेशन होता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क का मैग्नीशिया जो कि माइल्ड बेस है उसका हम लेते हैं, जो एंटा एसिड होता है, एंटा एसिड के नाम से आना आता है, यानी कि एसिड को कम करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। दूसरा पीएच चेंज इन कास्ट टूथ डीके, अगर पीएच चेंज होगा तो टूथ भी डीके होगा। अगर 5.5 से कम पीएच वैल्यू अगर हमारे दांतों में है, मुंह में है, सलाइवा में है, तो टूथ डीके होने लगेगा। इसीलिए भाई खाना खाने या जो भी आप खाते हो उसके बाद मुंह धो लिया करो, मुंह मत धोया करो, जो ओरल कैविटी इसमें पानी डालो, अच्छे से साफ कर लिया करो, ब्रश व्रश कर लिया करो, ठीक है। अगर भाई बैक्टीरिया रहेंगे तो एसिड सबसे रिलीज करेंगे, उससे आपके टूथ डीके हो जाएगा, ठीक है। जो आप कोलगेट करते हो कैसा होता है, एसिड होता है, बेस होता है, वो हल्का बेस होता है, एसिड नहीं होता भैया, क्योंकि एसिड तो मुंह में है हमारे, तो बेस करेंगे तभी तो न्यूट्रलाइज होगा, बात समझो, ठीक है। तीसरा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, जो एनिमल या प्लांट कभी कभी अपनी रक्षा करने के लिए केमिकल वॉरफेयर छोड़ देते हैं भाई, ठीक है। जो बी होती है स्टिंग होता ना उसके पास, काट लेती है बी, फूल जाता है, क्यों फूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एसिड सप्लान रिलीज कर देती है, ठीक है। अगर कभी काटे वाटे तो वहाँ पर बेस ही लगाना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा लिया भैया, जो भी चीज़ आपको मिले वो लगा लो, बेकिंग सोडा लगा लो, जिससे आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पूछा गया है, अब पूछा गया मोर अबाउट साल्ट, साल्ट के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं साल्ट क्या होता है, आप लोगों को पता चल गया, जब एसिड बेस रिएक्ट करता तो साल्ट और वाटर बनता है। अब कुछ यहाँ पे कॉमन साल्ट दिए गए हैं, पीएच ऑफ साल्ट क्या होता है देख लेंगे आप। केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट से हम कुछ केमिकल बनाते हैं, कौन कौन से देते हैं पहला वो देखते हैं। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम सोडियम क्लोराइड में NaCl, एक्वस NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन बोलते हैं, ये बात याद रखें। जब सोडियम क्लोराइड में हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लोरीन इवॉल्व होता है एनोड पर, ठीक है, कहाँ पर, एनोड पर, H2 गैस कैथोड पर, एनोड भाई है पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है, बनता है यहाँ पर देखिए एनोड कैथोड पर बनता है। क्लोरीन गैस किधर बन रहा है, एनोड पर, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब बनता बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कब बनता है देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था वहाँ पर क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ था, उसी क्लोरीन गैस का यूज करके हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पर जब हमने क्लोरीन गैस पास कराया तो यहाँ पर बनता है CaOCl2 जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और H2O गैस रिलीज होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका यूज क्या क्या देख लेते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, यह एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, और हम इसे अपना पानी जो पीने वाला पानी होता है इसे साफ करते हैं जर्म से, ठीक है। अब तीसरा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड H2O CO2 और अमोनिया गैस सब एक साथ मिलाते हैं तब बनता है NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आप हीट करोगे तो एक अपने कंपोनेंट में टूट जाता है, किसमें सोडियम कार्बोनेट और H2 और CO2 में टूट जाता है, जो CO2 गैस है ये इवॉल्व होता है, इसी वजह से डफ अपीयरेंस आता है,
कोई भी चीज़ आप बनाते हो, जैसे केक बना रहे हो, इसमें आप बेकिंग सोडा मिला देते हो, खाना जल्दी पकाने के लिए बेकिंग सोडा मिलाते हो, क्योंकि जब CO2 रिलीज होता है तो वही डफ़ी या फ्लफी नेचर बना देता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ पर होता है भैया, देख लो यहाँ पर बता रखा है। देखिए, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है भैया। CO2 देखिए, जब वो जलेगा तो CO2 गैस रिलीज होगा, जब CO2 गैस रिलीज होगा तो भैया आग जल्दी बुझेगा। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म होगा, ख़त्म होगा CO2 गैस ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन जल्दी बुझ जाएगा, आग जल्दी बुझ जाएगी। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑल्सो एन इनग्रेडियंट इन एंटा एसिड, ये एंटा एसिड की तरह भी यूज होता है। एंटा एसिड, जब भाई हमारे पेट में एसिड ज़्यादा हो जाता है तब एंटा एसिड खाते हैं ना, एंटा एसिड खाने से हमें आराम मिलता है। ये एल्कलाइन होता है, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, और रिलीफ प्रोवाइड करता है। अब आता वॉशिंग सोडा क्या होता है। जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया था तो सोडियम कार्बोनेट रिलीज हुआ था, हम इसमें पानी मिला देते तो ये बन जाता वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये बेसिक सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट डॉट टेन एच टू पानी बन जाता है। इसका काम क्या होता है भैया, देख लो, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये पानी से परमानेंट हार्डनेस को मिटाने के यूज होता है। ये बोरेक्स बनाने के लिए भी यूज होता है, ये क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज होता है, और सोप पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। अब लास्ट वाला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। जिप्सम का नाम आपने सुना है, जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम। अगर आप इसको 373 केल्विन पर गर्म करो, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यहाँ पर बना रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर का पाउडर होता है, जब इसमें आप पानी मिलाओगे तो ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता रखा है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप पानी मिलाओगे तो ये हार्ड बन जाता है, हार्ड सॉलिड। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ कहाँ पर होता है भैया, जब आपका हाथ पैर टूट जाता है, डॉक्टर के पास जाते हो, पट्टी लगवाते हो, पट्टी में प्लास्टर ऑफ जो सफ़ेद कलर का होता है, POP भी तो होता है, आप घरों में लगवाते हो, टॉयज बनते हैं, बहुत सारे खिलौने बनते हैं, ये सारे के सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस तो होते हैं। उसमें भाई हल्का सा पानी मिलाओगे तो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर सेकेंड ख़त्म होता है, आप NCERT अच्छे से देख लीजिए, और जो भी समझ में आ रहा है कमेंट करके पूछ लीजिए, इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको अच्छे से समझा देंगे वो टॉपिक्स। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए, आपने ये भी पढ़ लीजिए कि आपने क्या सीखा इस चैप्टर से। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।